नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो जानकारी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जो गैलेंट्री गार्ड है, जैसे कि परमवीर चक्र, शोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल, वायु सेना मेडल और नाव सेना मेडल, दोस्तों जो गैलेंट्री गार्ड्स है इसके जो सातवें पे कमीशन के हिसाब से क्या मॉनेटरी अलाउंस मिलते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों जैसे कि इसका जो सातवें पे कमीशन के हिसाब से रिवाइज रेट क्या है, इसके बिना ये किसको किसको मिलता है, क्या विडो बेटा या बेटी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या माता पिता को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जो कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में देंगे। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। कृपया सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियो आप हमारी सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो लेटर है जिसमें जो रेट रिवाइज़ हुए थे, ये रिवाइज कब से हुए थे, 1 अगस्त 2017 से सातवें पे कमीशन ने जो रिवाइज जो रेट है वो 1 अगस्त 2017 से हुए थे दोस्तों। और वो इस प्रकार हैं, परमवीर चक्र का 10,000 रुपये पर मंथ मिलता था पहले, अभी 20,000 रुपये पर मंथ मिलता है। अशोक चक्र का 12,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो गया रिवाइज रेट, और महावीर चक्र का 10,000 हो गया है 5,000 से बढ़ के। कीर्ति चक्र का 4,500 से 9,000 रुपये और वीर चक्र का 3,500 रुपये से 7,000। शौर्य चक्र का 3,000 से 6,000 रुपये जो पर मंथ है दोस्तों। और लास्ट जो है सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल, जो तीनों सेनाओं को जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है वो 1,000 रुपये था पुराना रेट, और जो नया रेट है वो 2,000 रुपये पर मंथ है। दोस्तों अभी ये किसको किसको मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो दोस्तों इस गैलेंट्री अवार्ड को प्राप्त करता है उसको तो मिलता ही है डेथ तक, और जो उसकी विडो, जो लाफली विडो है, विधवा है, उसको भी उसकी कंटिन्यू तब तक मिलता है जब तक उसकी डेथ नहीं। दोस्तों अगर कोई बैचलर की जो वीरगति को प्राप्त हो जाता है और गैलेंट्री अवार्ड मिलता है दोस्तों, तो उसकी जो मॉनेटरी अलाउंस है उसके पेरेंट्स को, यानी कि फादर और मदर को दिया जाता है, माता पिता को दिया जाता है उसकी मृत्यु के बाद अगर अवार्ड प्राप्त होता है तो। अगर उसका कोई लड़का है 18 साल से नीचे दोस्तों उसको मिलता है, अगर कोई अनमेरिड डॉटर है तो उसको भी ये जो मॉनेटरी अलाउंस मिलते हैं। यहाँ पैरा 4 में ये लिखा गया दोस्तों, जो मॉनेटरी अलाउंस का जो रेट है वो ओरिजिनल रेट जो है, जैसे किसी ओरिजिनल अवार्ड किसी बंदे को मिला वो सेम रेट जो वेल बी कैरी फॉरवर्ड हो आगे हो जाते हैं, सेम कुछ का रेट कम नहीं होता। जैसे पेंशन का रेट जो आगे है फैमिली पेंशन को जहाँ विडो को अगले रेट कम हो जाते हैं, मगर इसमें कोई चेंज नहीं होता, वो पूरा का पूरा कंप्लीट वही रेट मिलता है जो एक रिसेप्टेंट को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।